शक्ति युवा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के संस्थापक पद्म विभूषित स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती सिविलाइन स्थित अंबेडकर पार्क में धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार ठाकुर अपनी प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विवेक भटनागर एवं संचालन महानगर अध्यक्ष अनुज शर्मा ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु आज हम उनके जन्म दिवस पर उनके सपनों के भारत के निर्माण की शपथ लेते हैं। उन्होंने चिराग भैया की आशीर्वाद यात्रा का भी पूर्ण समर्थन किया और अपने प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा। कार्यक्रम में बोलते हुए अन्य वक्ताओं ने भी अपने नेता की नीतियों पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अपने नेता को भारत रत्न देने की मांग उठाई। इस अवसर पर महासचिव डोमा पासवान, जिला उपाध्यक्ष किशन पाल, जिला महासचिव विपिन गुप्ता, उत्तम भटनागर, रवि सैनी, उमेश दिवाकर, मनोज सैनी, संजय सैनी, तुषार भटनागर, आकाश व रवि आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम आपका? मैं अनुज कुमार शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी महानगर अध्यक्ष जी। आज क्या कार्यक्रम क्या किया अम्बेडकर पार्क में? आज हमारा जो अम्बेडकर पार्क में था, हम लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। कौन सा जन्मोत्सव था? 75वां जन्म। तो क्या इस मौके पर क्या करा आपने? इस मौके पर देखिए, हम लोगों को सभी से अपील की है कि हमें इस पार्टी को उभारना है। और दूसरे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने इस अवसर पर आशीर्वाद रैली का आयोजन किया है, जो हाजीपुर से स्टार्ट की है और पटना तक उसको समापन होगा। पटना में क्या करने जाएंगे हम लोगों से? क्या करने जाएंगे लोगों से? भी यही कहना चाहूँगा कि एक सच्ची राह पे चलें, सच्चे लोगों को देखें। और चुनाव का दौर आने वाला है, चुनावी दौर में वोट जहाँ आपको लगे भाई सही, आप बोल्ड, आपका जो वोट है वो खराब नहीं हो रहा है, उस जगह वोट डालिए। तो आने वाले चुनाव में इस पार्टी की क्या भूमिका मानते हैं आप? पार्टी की भूमिका देखिए, यूपी में कोशिश तो बहुत मेहनत की जा रही है कि भाई एक नई पहचान लेके यूपी में हम लोग इसे उभारें।